सरकार ने नोटबंदी करी थी वो बहुत ही मतलब बेकार कदम था, उसमें काफी लोगों को भारी नुकसान हुआ है। जैसे कि युवा है उनको मतलब रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। मैंने MBA ग्रेजुएट किया हुआ है, मैं नौकरियों के लिए धक्के खा रहा हूँ। मैं बिपिन गुप्ता छोटी बेरिया में किराने की दुकान करता हूँ, और जब से नोटबंदी हुई है जब से छोटे व्यापार पर काफी नुकसान हुआ है, इससे कोई लाभ समझ में नहीं आया। नोटबंदी को 4 साल हो रहे हैं, व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है। दीपावली का त्यौहार है मगर बाजार में कोई रौनक नहीं है, आदमियों के पास पैसे खत्म हो गए हैं। जो व्यापार धंधे करते थे, रोजगार करते थे, उनके रोजगार खत्म हो चुके हैं। इनकम आय के साधन गरीब लोगों के यानी गरीब लोगों से ही हम लोगों का व्यापार चलता था। आज बाजार में बहुत मंदी है, 4 साल से बहुत परेशान त्रस्त है जनता। नोटबंदी हुआ था तो हम लोग को बिजनेस बहुत ख़त्म हो गया था, भुखमरी हो गया था, बहुत तकलीफ हुआ पैसा नोटबंदी में। उस नोटबंदी में लोगों से हमने पैसे लेने थे, कई लोग झूठ बोल के कि नोटबंदी हो गई हमारे पैसे नहीं है, तो हमारे पैसे मिट्टी कर दिए उन्होंने, हमारे पैसे खा गए लोग, और जो हमारे पास आई चराई लगी हुई थी वो भी हमारी जो है वो ख़त्म हो गई। 99% जो नोट थे वही फिर रिटर्न ही हो गए, उसका कोई ऐसा फायदा तो नहीं, कोई इसका फायदा नहीं है, कोई अपनी GDP भी इससे शायद लॉस नहीं गई थी 1.5 या 2%। मेरे को नहीं लगता है कोई इसका इतना फायदा होगा, अभी नहीं था, क्योंकि आप इसे मान के चलिए कंप्लीट फेलियर है। उसके बाद से सर 2 अटैक हो रहे हैं मेजर, और सर ये मान के चलिए कि रोज टेरर अटैक हो रहे हैं। आप अगर आतंकवाद को रोकोगे तो सर आपको डिमोनेटाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। भाई साहब आप खुद देख रहे हैं, यहाँ पे पहले नोटबंदी, फिर GST, फिर अभी ये कोरोना काल। अभी इतना बड़ा सीजन है दिवाली का, व्यापारी अपनी कुर्सी छोड़कर काउंटर पर बैठा है ग्राहकों का इंतजार करता हुआ। तो नोटबंदी भी गलत डिसीजन था, GST भी गलत डिसीजन है, और फिर कोरोना काल में जो लॉकडाउन की प्रोसेस हुई थी वो भी सरासर गलत ही थी। तरीका जो ये कहता तो ये एक बहुत बड़ी चोटबंदी थी देश को, और सोचा समझा संगठित अपराध था, जो कि आज तक इसका दंश जो पूरा देश झेल रहा है।